हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक इन माय डिजिटल शो। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग टाइप का, मतलब इंटरेस्टिंग है। डिमांड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। ये सिविल इंजीनियरिंग को कौन कौन से सॉफ्टवेयर का डिमांड है, अब बात करते हैं भाई। डिमांड जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं ना। अगर आपके घर में आलू की खपत ज्यादा है, किसके आलू आपके घर में लोग ज्यादा खाते हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे ज्यादा आलू पे फोकस करोगे, आलू की खेती करोगे, आलू मार्केट से ले आओगे, ये देखोगे आलू कहां पर सस्ता है और अच्छा है, ये देखोगे, राइट? क्योंकि आलू का आपके यहां पर ज्यादा उपयोग है। उसी तरीके से हमारे इंडस्ट्री में कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ये डिपेंड करेगा कि डिवीजन कौन सा है। डिवीजन मतलब खाने का जैसे डिवीजन होता है, उसी तरीके से पहनने का होता है। किसी किसी को टी शर्ट ही पहनना है, ठीक है? तो अलग अलग तरीके का सबका अपना डिवीजन होता है। वैसे सिविल इंजीनियरिंग में भी डिवीजन है भाई। कौन कौन सा? पहला डिवीजन है आर्किटेक्चर का, दूसरा डिवीजन है स्ट्रक्चर का, तीसरा डिवीजन है एस्टिमेशन का, और चौथा डिवीजन है प्लानिंग का, मतलब प्रोजेक्ट प्लानिंग का। चलिए चारों डिवीजन के इंटरेस्टिंग जो और सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर है उनके बारे में बताता हूँ। पहले आर्किटेक्चर की बात कर लेता हूँ। आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट हो रही है आज के टाइम में वो ऑटो कैट की, और ऑटो कैट के बाद या फिर आपको रेबिट आना चाहिए या फिर 3ds Max। रेबिट या फिर 3ds Max दोनों ही डिमांडिंग सॉफ्टवेयर हैं। आपको दोनों में से कोई भी आता है अच्छा है, या फिर दोनों आता है तो और बेहतरीन है। तो आपका आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के ये तीन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं। अब कुछ लोग अल्टरनेटिव में स्केचअप भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो मोस्ट डिमांडिंग में रेबिट और 3ds Max ज्यादा है। थर्ड नंबर पे स्केचअप को रख सकते हो। दिस इज आर्किटेक्चर इंडस्ट्री। किसी को भी करियर बनाना है बस इन चारों को अच्छे तरीके से पी जाओ, जिस तरीके से जूस पीते हो। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर इंडस्ट्री की। स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में आप सबको सबको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पहले तो ऑटो कैट तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ स्टैड या फिर ईटैप, और ईटैप के साथ सेफ, ठीक है? स्टैड या फिर ईटैप या फिर सेफ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपका प्लानिंग है हाई राइज बिल्डिंग के लिए तो आप ईटैप और सेफ का कॉम्बिनेशन चूज करिए। अगर आपका मतलब माइंड में मेकअप बना हुआ है कि हमको छोटे स्ट्रक्चर या G+2 G+3 का काम करना है, तो उसके लिए स्टैड प्रो आपके लिए बेहतरीन काम कर सकता है। या फिर अगर आप पूरी तरीके से स्ट्रक्चर में ही डेडिकेटेड है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑटो कैट, स्टैड प्रो, ईटैप और सेफ। इन चारों को अगर कॉम्बिनेशन सीख लेते हो फुल क्लियर, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा और सब कुछ आपका एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तीसरी इंडस्ट्री जो है जिसमें कि हमको क्वांटिटी का काम करना है, तो क्वांटिटी के लिए सबसे अच्छा रहता है आपका क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या? क्वांटिटी टेक ऑफ। इसके अलावा अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो एक्सेल भी आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, ठीक है जी? तो ये इसकी प्रोफाइल है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग की। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में MSP और प्राइमेरा अच्छा काम करते हैं, जिसमें बहुत ढेर सारी कंपनी MSP यूज करती है, और 40% कंपनी कर सकते हो प्राइमेरा यूज करती है, 60% MSP यूज करती है। तो अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग में इंटरेस्टेड हो, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह बनना चाहते हो, तो MSP और प्राइमेरा की तरफ फोकस करो। और अगर आप स्ट्रक्चर में, तो मैंने आपको बता दिया, और एस्टिमेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो क्वांटिटी टेक ऑफ या फिर एक्सेल का अच्छा नॉलेज रखो। और प्लान आर्किटेक्चर के लिए भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं भीम की। पांचवी प्रोफाइल है डीम। बीम के अंदर आपको करियर बनाना है तो आपको रेबिट आर्किटेक्चर, रेबिट स्ट्रक्चर, रेबिट MEP, नेविस्वर, टेक्ला, 3ds Max और स्केचअप, इनका अगर नॉलेज है तो आप बेहतरीन तरीके से बीम के अंदर एंट्री कर सकते हो और अच्छा करियर बना सकते हो। तो ये आपके सामने है सारा का सारा सॉफ्टवेयर। आप पहले फिक्स करो कि आपको कौन से इंडस्ट्री में जाना है, उसके ओरिएंटेड ही सॉफ्टवेयर सीखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस उतना ही करने को मिलेगा। पता चला आप सारे सीख गए, प्रैक्टिस सारे में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। एक एक करके सीखो, सीखो 4-5-6 सीखो, 7 सीखो, बट प्रैक्टिस परफेक्ट करते हुए सीखो। चलिए जी, तो समझ आया होगा डिमांडिंग जो सॉफ्टवेयर थे मैंने सारे के नाम बता दिए। अब आपको आता है तो बेहतरीन, नहीं आता है, यूनिक सिविल ऐप पर हमने ऑल इन वन कोर्स बनाया, उसमें तो मैक्सिमम चीज़ ऐड कर रखा है। स्ट्रक्चर वालों के लिए ऑल इन वन बना दिया है, बीम वालों के लिए मैंने बीम का अलग से कोर्स बना दिया है, और आर्किटेक्चर वालों के लिए भी अलग से कोर्स बना दिया है। तो आप अपने हिसाब से वहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज आपको जहाँ पर भी अच्छा लगता है, जिनके वही पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, समझ में आता है, वहाँ पर भी आप सीख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ वीडियो में बताना, फीडबैक देना नीचे, कैसा लगा वीडियो। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, कमेंट करो ना यार, नेक्स्ट वीडियो आपके उस टॉपिक पर बनाया जाएगा, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।